नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव सोच चैनल में। मैं हूं हितेश और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्क्रीनिंजा। वह बना के देखेंगे क्या ये काम करता है जैसे कि और यूट्यूबर्स बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे एक खाली कैन जिसको हम कट कर लेंगे एक बॉयलर के हिसाब से और इसको हम लगा देंगे एक बोर्ड पर, बोर्ड की सहायता से, स्क्रू की सहायता से जो है हम इसको कस जो एक्स्ट्रा पार्ट इन लोग कर देंगे। अब एक हम बॉयलर लेंगे, खाली कैन आप कोई भी यूज कर सकते हो और इसको एम सी की मदद से हम यहाँ पे चिपका देते हैं। पीवीसी पाइप जैसे कि आप देख रहे हो और इसको यहाँ पे एम सील की मदद से चिपका देंगे। इस पर जो है हम हमारी फ्लाई व्हील को फिक्स करेंगे। और अब लेनी एक डीसी मोटर जिसको डीसी जनरेटर भी कहते हैं और सीडीएम जो डीवीडी प्लेयर होते हैं उनकी हम सीडीएम लेंगे और उनको फेविक्विक की मदद से चिपका के मोटर में फिट कर देंगे। और वायर को जो है हम यहाँ पे फिट कर देंगे क्रैंक शाफ्ट की तरह काम कर। फेविक्विक की मदद से हम उसको चिपका देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील काफ़ी आराम से घूम रही है और अब हम इसको पीवीसी पाइप के डीसी मोटर को एम सी की मदद से चिपका देते हैं, फिट कर देते हैं। अब हम लेंगे एक पाइप भाई और उसको सरिंज में फिट करके एम सील से चिपका देंगे। और हम इस पूरे पाइप के समय इसको बॉयलर में फिट कर देंगे और बॉयलर से भी इसको हम फ्लेम सील की मदद से ही चिपकाएंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ते हैं और अब हम पीवीसी पाइप की एक बनाएंगे क्रैंकशाफ्ट जैसे कि आप देख रहे हैं और इसको एक तरफ से हम सिरिंज में और दूसरी तरफ से हमारे क्रैंकशाफ्ट यानी कि फ्लाई व्हील में फिट कर देंगे और इसको ऊपर लगा देंगे एक रबड़ का टुकड़ा जिससे ये फाड़ निकले। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। अब मार्कर से हम जो है एक यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे आयरन की मदद से इसमें होल कर लेंगे, इसको थोड़ा साफ कर लेंगे जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया है। काफ़ी ट्राई किया है मैंने इंजन को चला के दोस्तों, लेकिन इंजन नहीं चला है। सॉरी, ये सभी फेक बताते हैं और ये वर्क नहीं करता।